तो हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करने जा रहा हूँ बॉटनी सब्जेक्ट के। ये जो क्वेश्चंस है बहुत इजी क्वेश्चंस है, तो इन क्वेश्चंस को 100% गारंटी है एग्ज़ाम में आने आने की। तो एग्ज़ाम दे के फिर पछताना नहीं कि हमने क्यों नहीं पढ़ा। तो ये क्वेश्चंस 12th बेस रहे, 12th में भी ये क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो, अच्छी तरीके से याद करो, समझो, और यही पेपर होने वाला है। मैं 100% के साथ ये कह सकता हूँ कि यही पेपर होने वाला है। तो जो है, मैं केमिस्ट्री के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, जोलॉजी के भी। आपको चाहिए कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए। तो है, अभी तो कम ही टाइम हमको रहा है एग्जाम। जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है फ्लूइड मोज़ेक कंसेप्ट, कामा बायो मेम्ब्रेन्स। इस कंसेप्ट को भी अच्छी तरीके से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तीसरा जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कामा गोल्गी बॉडीज, कामा माइटोकॉन्ड्रिया, कामा क्लोरोप्लास्ट। ये तीन तीन मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये जो है गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एट्सेट्रा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर्स। ये इजी कंसेप्ट से, ये हमने 12th में भी पढ़े हैं। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ो इन्हें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके यही पेपर आने वाला है। जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्शे एंड चेज बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। बहुत इजी पेपर रहेगा। जेनेटिक कोड एंड करेक्टरिस्टिक्स, लेक ओपीरॉन एंड ट्रिप्टोफन ओपीरॉन, मिसलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये 12th में भी आया था और हमारे बायोटेक्नोलॉजी में भी ये क्वेश्चन आया था। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। जो नेक्स्ट है माइटोसिस एंड मियोसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। जो लास्ट क्वेश्चन है ग्रिफ्थ्स एंड एरियाज ट्रांसफॉर्मेशन, एवीरियाज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इनको अच्छी तरीके से पढ़कर, अच्छी तरीके से याद करके, ये इजी भी है, इजी काफ़ी इजी पेपर रहने वाला है। तो आपको चाहिए कि ये क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लो। मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको आप 60 में से 60 मार्क्स लेकर ही आओगे।